हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर में होने वाला एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में, जो कि है एडी करंट लॉस, राइट। वैसे तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जिसमें कि कोर में दो तरह का लॉस होता है, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। ये दोनों ही लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर जो वाइंडिंग्स की जाती हैं, उस वाइंडिंग में लॉस ये नहीं होता है। एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ये दोनों ही लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एडी करंट लॉस पर होगा, और एडी करंट लॉस को स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि एडी करंट लॉस होता कैसे है, ट्रांसफार्मर में क्यों होता है एडी करंट लॉस, ट्रांसफार्मर के कोर में ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से उसमें एडी करंट लॉस होता है। ओके, तो इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे, और समझने के बाद लास्ट में हम इस कंक्लूजन पे जाएंगे कि ट्रांसफार्मर में जब हम एसी सप्लाई देते हैं तब एडी करंट लॉस होता है, क्या डीसी सप्लाई देने पर भी एडी करंट लॉस होगा, राइट। इस चीज का जो कंक्लूजन है वो आपको लास्ट में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, एडी करंट लॉस, आज का टॉपिक है एडी करंट लॉस, एक तरह का कोर लॉस है। ये कोर लॉस है, इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसमें ये लॉस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर ट्रांसफार्मर का कोर डिजाइन कर देता हूं। This is a core of transformer. Magnetic core होता है ये, right? अब इस core के ऊपर आप windings को डालते हो, right? Core के ऊपर ही डालते हो ना windings को। तो suppose इसके ऊपर ये single phase transformer है, तो एक side हमने इसमें high voltage side की winding डाल दी, और दूसरे side डालेंगे LV winding. राइट, दिस इज एच वी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज साइड है, और दूसरी साइड डालते हैं एल वी वाइंडिंग, लाइक दिस, दिस इज एल वी साइड, लो वोल्टेज साइड, राइट। अब देखो, अब आप क्या करते हो इस ट्रांसफॉर्मर के साथ, आप क्या करते हो, यहां पर आप सप्लाई लगाते हो, ओके? और सप्लाई कैसा लगाते हो, आप एसी सप्लाई देते हो, राइट। तो फर्स्ट केस हम यही देखते हैं कि हम इसमें ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई देके देखते हैं कि इसके अंदर, इसके कोर के अंदर एक्चुअली होगा क्या, राइट, ये हम जानना चाहते हैं। तो दिस इज एसी सप्लाई, हमने एसी वोल्टेज सोर्स लगाया, वी एसी, एसी वोल्टेज सोर्स हमने यहां पर लगाया। अब जो एसी वोल्टेज सोर्स है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, यहां से एक करंट एंटर करेगा इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, वो करंट भी एसी होगा, अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, दिस करंट इज आई एसी, एसी करंट है ये। सपोज जो हमारा करंट है आई एसी, आई एसी, ये एक साइनोसॉइडल करंट है, इसको मैं लिख देता हूं आई एम साइन ओमेगा टी, ये इस तरह का एक साइनोसॉइडल करंट है जो कि ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग में एंटर कर रहा है। अब एंटर करने के बाद क्या होगा, यहां पर आप एक दूसरा पॉइंट भी देख लो। पहले आप ये देख लो कि अगर एक क्वाइल है, दिस इज अ क्वाइल, और इसमें यदि आप एक करंट को फ्लो करवाते हो तो यहां से एक फ्लक्स जनरेट होता है, राइट, फ्लक्स जनरेट होगा। यहां पर राइट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहां पर फ्लक्स जनरेट होगा, और ये इस तरीके से एक क्लोज लूप बनाएगा, जो फ्लक्स होगा वो
ऐसे करके क्लोज्ड लूप बनाएगा। ओके, जो क्वाइल है, क्वाइल के चारों तरफ यहां पर फ्लक्स एक लूप बनाएगा। ओके, एक साइड से निकलेगा और दूसरी साइड में एंटर करेगा, लाइक दिस। ओके, ऐसे इस तरीके से फ्लक्स अपना एक लूप क्रिएट करेगा। ये जो हमने क्वाइल लिया है, ये एयर कोर्ड क्वाइल है, यानी कि जो क्वाइल है उसका कोर एयर है। यदि मैं कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल इस क्वाइल के अंदर डाल दूं, फॉर एग्जांपल, यदि इसके अंदर मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दूं, ये दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर वाइंडिंग कर दी है, यानी कि जो क्वाइल है वो इसके ऊपर वुंड किया गया है, लाइक दिस। ओके, अब इसमें हमें करना है क्या, इसमें हमें करंट सप्लाई देना है। तो जब हम इसमें करंट सप्लाई देंगे तो ये जो मैग्नेटिक कोर है, इस कोर के अंदर से फ्लक्स जाएगा। पहले हमने क्या किया था, हमने एयर कोर लिया था, तो जो भी हमारा फ्लक्स का लूप बनेगा, एक तो बाहर से जाएगा, उसके बाद उस लूप को कंप्लीट करने के लिए उस क्वाइल के अंदर से भी फ्लो करते हुए वहां पर एक क्लोज लूप बनाएगा फ्लक्स, राइट, दिस इज फ्लक्स लाइंस। ओके, यदि आप इस क्वाइल के अंदर आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को डाल दो, फिर क्या होगा, फिर जो फ्लक्स लाइंस हैं बाहर से तो जाएंगी, लेकिन उस मैग्नेटिक कोर के अंदर से भी वो पास करेंगे, राइट। ये जो मैग्नेटिक कोर है, जो हमने लिया है मैग्नेटिक कोर, इस कोर के अंदर से अब फ्लक्स पास करेंगे, लाइक दिस। ऐसे कोर के अंदर से ऐसे ये फ्लक्स लाइंस पास करती हैं। ओके, ये कोर के अंदर से पास कर रही हैं। अब आप जरा कोर के बारे में सोचो। कोर एक मटेरियल है और इस यूनिवर्स का कोई भी मटेरियल सिमेट्री में रहना पसंद करता है। इट मींस उसको आप डिस्टर्ब ना करो, ये उसको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे, ये उसको अच्छा नहीं लगता। यही बात होती है इस मटेरियल के साथ, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसके साथ, कि कोर इसलिए नहीं बना है कि आप उसके अंदर जो मर्जी आप उसको फ्लो करवाते रहो, इसलिए तो कोर नहीं बना है। कोर अपना सिमेट्री में रहना पसंद करता है, और ये मैग्नेटिक कोर है तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे। ये जो हमारा मैग्नेटिक कोर है इसके अंदर कुछ डोमेन्स होंगे, मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे, जस्ट लाइक दैट। ये किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकते हैं, ये रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर एक क्वाइल डाला और उस क्वाइल में आपने एक करंट फ्लो करवाया, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस कोर से फ्लक्स फ्लो करेगा, और जो फ्लक्स फ्लो करेगा, इट मींस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर अवेलेबल हो चुका है, राइट। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नली हमने वहां पर लगाया है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो इसके सारे के सारे डोमेन्स हैं, इन सारे के सारे डोमेन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, ये जो कोर है, इसके जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, सबको वो अलाइंड कर देगा एक डायरेक्शन में। अब ये चीज इस कोर को पसंद नहीं है, ये इस चीज को रेसिस्ट करता है कि हमारे अंदर जो भी डोमेन्स हैं, जैसे हैं वैसे ही रहने दो, आप इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन आप करते हो, आप क्या करते हो, इसके ऊपर क्वाइल डालते हो, उसमें आप करंट फ्लो करवाते हो, करंट फ्लो करवाने की वजह से उसमें फ्लक्स फ्लो करेगा, और वो जो फ्लक्स है इसके अपने डोमेन्स को डिस्टर्ब कर देता है। अब इसके सारे के सारे डोमेन्स उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में आपका ये एक्सटर्नल फ्लक्स जा रहा है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल करंट की वजह से जो फ्लक्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये सभी अलाइंड हो जाएंगे, राइट। चलो ठीक है, यहाँ आप देख लो कि सारे के सारे इसके जो डोमेन्स हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, वो सब अलाइंड हो गए इस डायरेक्शन में। आप यहाँ भी नहीं रुकते हो, अब आप क्या करते हो,
अब आप करते हो कि जो आपने करंट इसको दिया है, इस कॉइल को, इसको कभी आप इंक्रीज करते हो, कभी आप डिक्रीज करते हो, कभी एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हो, कभी दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करवाते हो। इसकी वजह से अब इसके जो डोमेन्स हैं ये और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके डोमेन्स को कभी इस डायरेक्शन में अलाइन होना पड़ता है, कभी इसको इस डायरेक्शन में अलाइन होना पड़ता है, राइट। और ये जो वर्क है, ये जो फिनोमिनन है, वो मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हो 50 हर्ट्ज की, फ्रिक्वेंसी वाली फ्रिक्वेंसी का आप सप्लाई इसमें लगाते हो। अब 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, इट मीन्स जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 20 मिली सेकेंड्स, राइट। और जो हाफ टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 10 मिली सेकेंड्स। यानी कि 10 मिली सेकेंड्स के लिए आप करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हो और नेक्स्ट 10 मिलीसेकेंड्स के लिए करंट को दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करवाते हो। अब इसकी वजह से जो इसके डोमेन्स हैं, 10 मिलीसेकेंड्स के लिए इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर नेक्स्ट 10 मिलीसेकेंड्स के लिए इस डायरेक्शन में जाएंगे। बेचारा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। इसकी वजह से इसमें होते हैं लॉसेस। दो तरह के लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, राइट। ये तो था बैकग्राउंड। अभी हम सिर्फ बात करेंगे एडी करंट लॉस पे। तो अब उस पे आते हैं, एडी करंट लॉस पे आते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में हमने लिया कि जो इसमें करंट है वो साइनोसोइडल करंट है, IM साइन ओमेगा टी। ये करंट हमने इसको दिया है, इस कॉइल को दिया है। कोर में हमने करंट फ्लो नहीं करवाया, इस चीज का ध्यान रखना। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, उसके वाइंडिंग में हम करंट डाल रहे हैं, राइट। अब इसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया। अब देखो, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, जो इस कॉइल का करंट है वो ये है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। इनपुट करंट है IAC, राइट। उसके बाद ये जो टाइमिंग है ये हो जाएगा 10 मिली सेकेंड्स। होल टाइमिंग कितना है? 20 मिली सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है सप्लाई की वो हम जनरली हम इंडिया में, यदि मैं इंडिया की बात करूं तो 50 हर्ट्ज सप्लाई हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए 50 हर्ट्ज सप्लाई में 20 मिली सेकेंड्स का टाइम पीरियड है और 10 मिली सेकेंड्स के लिए ये जो करंट होगा ये पॉजिटिव होगा और नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड्स के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब होता है उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं। तो अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा, अभी मैं पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एडी करंट लॉस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द करंट, ये जो सप्लाई करंट है इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल पे मैं यहां पर फोकस करूंगा, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके। सिर्फ इसी पर मैं फोकस करूंगा, ओके। देखो, जो मेरे पास सप्लाई है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये 0 to 10 मिली सेकेंड्स के लिए, राइट। इतना सप्लाई है। सपोज ये जो करंट है दिस इज 10 sin ωt, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पर 10 एम्पीयर ले लो, राइट। यहाँ कहीं आपको मिलेगा 5 एम्पीयर, यहाँ कहीं लिख दो 3 एम्पीयर, यहाँ कहीं लिख दो 2 एम्पीयर, यहाँ कहीं लिख दो 1 एम्पीयर, राइट। ये यहाँ कहीं लिख दो चलो 8 एम्पीयर। ये इसके वेरिंग करंट्स की वैल्यू है। अब ये करंट हम दे रहे हैं इस कोर में, जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, आयरन कोर। इस कोर में हम इस करंट, इस कोर की जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में हम ये करंट दे रहे हैं। अब आप एज्यूम करो कि जब 1 एम्पीयर का करंट किसी वाइंडिंग में फ्लो कर रहा होगा, तब उसमें सपोज आप ऐसा एज्यूम कर लो कि अगर आई की वैल्यू 1 एम्पीयर हो, तो उस इंस्टेंट पर जो फ्लक्स आएगा, राइट, क्योंकि ये जो करंट हम दे रहे हैं एक कॉइल में दे रहे हैं, राइट। जो इस कोर के ऊपर में कॉइल है उस पर हम ये सप्लाई दे रहे हैं, राइट। तो जिस इंस्टेंट पर इसमें करंट होगा 1 एम्पीयर, उस इंस्टेंट पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उस इंस्टेंट पर 1 एम्पीयर के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा, सपोज 1 वेबर का इसमें फ्लक्स होगा, ऐसा हमने एज्यूम किया है। उसके बाद जब हम करंट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये साइनोसोइडल है ना, तो
तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहां से इंक्रीज होगा, ये ऐसे इंक्रीज होगा, 1 एम्पियर हुआ, फिर 1.5 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, जिस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है ऐसे होगा, इंक्रीज होके यहां तक जाएगा, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं ना, ये जो 10 एम्पियर है ये होगा 5 मिलीसेकंड्स के बाद। तो अभी मैं बात करूंगा 0 to 5 मिलीसेकंड्स, सिर्फ इसी टाइम ड्यूरेशन में मैं बात करूंगा 0 to 5 मिलीसेकंड्स में जो हमने इनपुट करंट दिया है उसमें किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। राइट, देखो जब करंट अब 2 एम्पियर हो गया है, तो यदि मैं कोर को लीनियर मानू, वैसे तो कोर जो हमारा मैग्नेटिक कोर होता है वो नॉन लीनियर होता है, तो फ्लक्स हमारा लीनियरिटी को फॉलो नहीं करेगा, बट फिर भी यदि मैं काफी हद तक इसको लीनियर एज्यूम कर लूं, आइडियल की तरफ मैं इसको एज्यूम करूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 एम्पियर जब करंट फ्लो कर रहा था तो 1 वेबर का फ्लक्स था, 2 एम्पियर जब करंट फ्लो करेगा तो 2 वेबर का फ्लक्स होगा, जब यहां पर 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो 3 वेबर का फ्लक्स होगा, जब यहां पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तब यहां पर फ्लक्स हो जाएगा 5 वेबर, जब इसमें 8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तब फ्लक्स हो जाएगा कितना, 8 वेबर। मैंने यहां पर लीनियर एज्यूम कर लिया है। ओके, अब ये जो फ्लक्स हैं ये कहां से पास करेंगी, ये जो फ्लक्स हैं ये मैग्नेटिक कोर से सारे के सारे फ्लक्स पास करेंगे। ओके, अब जिस इंस्टेंट पर इसमें 1 एम्पियर का करंट था, उस इंस्टेंट पर इस कोर से जो फ्लक्स पास कर रहा था इस डायरेक्शन में, ये फ्लक्स था 1 वेबर का। ठीक है, आपने कोर की परमिशन लिए बिना उसमें आपने 1 वेबर का फ्लक्स फ्लो करवा दिया, इट्स ओके, उसने देख लिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, जस्ट 0.5 मिलीसेकंड या 0.2 मिलीसेकंड में ही आपने क्या किया, आपने करंट को चेंज कर दिया, 1 एम्पियर से आपने चेंज करके 2 एम्पियर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने साइनसोइडल लिया है, वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। राइट, आपने 1 एम्पियर से 2 एम्पियर जैसे ही किया तो जो फ्लक्स फ्लो कर रहा था 1 वेबर से तुरंत वो 2 वेबर हो गया, है ना, पहले वो 1 वेबर था, अब वो चेंज होके 2 वेबर हो गया। फिर 0.2 मिलीसेकंड या 0.3 मिलीसेकंड के बाद ये 2 वेबर चेंज होके 3 वेबर हो गया। अब कोर को आ रहा होगा गुस्सा कि भाई ये क्या चल रहा है मेरे अंदर, कभी आप 1 वेबर फ्लो करवाते हो, कभी 2 वेबर, कभी 3 वेबर, 4 वेबर, 5 वेबर, मतलब चल क्या रहा है ये, है ना। ये क्या करेगा, इसको ये जो ये सारी जो चेंजेस हैं इसको ये पसंद नहीं है, इस चेंज को कोर रेसिस्ट करेगा। जो आप इसके थ्रू फ्लक्स फ्लो करवा रहे हो और फ्लक्स को इंक्रीज करा रहे हो या कभी फिर आप डिक्रीज कराओगे, इस चेंज को ये रेसिस्ट करेगा क्योंकि इसको चेंज पसंद नहीं है। ये रेसिस्ट कैसे करेगा, आपने इसमें स्टार्टिंग में 1 वेबर फ्लो करवाया, इसके बाद आपने क्या किया, आपने 2 वेबर फ्लो करवाया, फिर आपने 3 वेबर फ्लो करवाया, आप बढ़ाते जा रहे हो। ये क्या करेगा, इस चेंज को रोकने के लिए ये क्या करेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने अंदर, ये कोर अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट कर देगा, अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को ये जनरेट करने की कोशिश करेगा, सो दैट जो आप इंक्रीज करा रहे हो ना फ्लक्स को, वो कैंसल आउट हो जाए। राइट, यानी कि ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ये फ्लक्स जनरेट करेगा, इस डायरेक्शन में ये फ्लक्स जनरेट करेगा, अपने अंदर ये प्रोड्यूस कर लेगा। अब आप देखो कि कोर है, कोर अपने अंदर फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करने का क्या है, कुछ तो होना चाहिए इसके पास, तो फ्लक्स कहां से आता है, विदाउट करंट तो नहीं आएगा, तो फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए इसको चाहिए करंट। तो ये क्या करता है, अगर आपने 1 वेबर की जगह 2 वेबर पास किया तो ये यहां पर एक छोटा सा लूप बना देगा, करंट का लूप बनाएगा और इसमें करंट फ्लो करवाएगा। राइट, इस डायरेक्शन में इसने करंट फ्लो करवा दिया, एक छोटा सा करंट का लूप बना दिया। अब वो जो करंट कैरिंग लूप है, क्योंकि अगर जो एक करंट का लूप आपके पास होगा तो आप जान सकोगे कि इसमें से एक
कहीं पर भी अगर एक छोटा सा करंट का लूप बन रहा है, इट मींस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, होगा राइट। अब ये यही कर रहा है कि आप फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हो, ये क्या करेगा वहां पर छोटे छोटे से लूप्स बना देंगे करंट के। अब वो जो करंट का लूप है, वो करंट का लूप एक्चुअली में फ्लक्स को प्रोड्यूस कर देगा, राइट। आपके पास क्वेश्चन आते होंगे ना कि एक अगर जो करंट कैरिंग वायर है ये जिसमें कि 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर है, तो बताइए इसमें से इसमें फ्लक्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो आप बताते होंगे कि टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है या फिर बॉटम टू टॉप फ्लो कर रहा है, राइट। राइट हैंड रूल लगा के हम इसको बताते हैं कि जो फ्लक्स है एक्चुअली किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ओके। तो कोर को चाहिए जिस डायरेक्शन में आप फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फ्लक्स चाहिए, उसके अंदर चाहिए, अपना फ्लक्स चाहिए उसको। उसके लिए वो क्या करता है, एक छोटा छोटा सा करंट का लूप बनाता है। अब आप देखो उसमें कोर के अंदर छोटे छोटे से करंट इंड्यूस हुए हैं और यही करंट है जो कि कहलाता है एडी करंट। ये जो करंट है, ये जो करंट का लूप है, यही करंट कहलाता है एडी करंट, राइट। इसी तरीके से यहां भी आएगा एक, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी होगा एडी करंट, राइट। तो यहां से एडी करंट हमारा प्रोड्यूस हुआ है। अब जब एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है और जो हमारा मैग्नेटिक कोर है, व्हाट इज दिस, दिस इज कोर। कोर क्या होता है, ये रेसिस्टिव तो नहीं होता, प्योरली रेसिस्टिव नहीं होता ये, इसका जो बिहेवियर है वो RL सर्किट के जैसा इसका बिहेवियर होता है, मतलब थोड़ा सा लैगिंग होता है और रेसिस्टिव भी होता है। तो अगर आप RL सर्किट में करंट फ्लो करवाओगे, क्योंकि इसमें तो करंट आ चुका है, हमने नहीं दिया है करंट, हमने तो करंट दिया था सिर्फ कॉइल में, ये कोर अपने अंदर इंड्यूस कर लिया है इंड्यूस्ड करंट, और वो करंट कहलाया है एडी करंट। अब इस कोर में जब एडी करंट फ्लो करेगा तो वहां पर लॉसेस तो होंगे, और वही जो पावर लॉस होता है वो कहलाता है एडी करंट लॉस, राइट। तो एडी करंट लॉस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम करंट को चेंज करते हैं, फ्लक्स चेंज होता है, कोर को फ्लक्स का चेंज होना पसंद नहीं है, वो उसके चेंज को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, उस अपोज करने के लिए उसको फ्लक्स चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। और फ्लक्स आएगा कहाँ से, विदाउट करंट नहीं आएगा, वो क्या करता है छोटे छोटे से लूप्स बना लेते हैं करंट के, राइट। और छोटे छोटे से जो करंट के लूप होते हैं वही करंट कहलाता है एडी करंट, और उस करंट की वजह से जो उस कोर में मैग्नेटिक कोर में जो लॉस होगा वो कहलाता है एडी करंट लॉस। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा मेन जो टारगेट है वो ये है कि जब हम इस ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हमारा मेन टॉपिक तो यही है, अभी तक तो बैकग्राउंड चल रहा था, वो है ना, बिहाइंड द सीन चल रहा था, ओके। मेन टॉपिक हमारा है कि इसमें अब हम डीसी करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा। देखो इस कोर पे हमने दे दिया है डायरेक्ट करंट, डीसी वोल्टेज हमने लगाया है और इसमें करंट फ्लो करेगा आई डीसी, है ना। ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने से बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं उन सारी चीजों पे अभी बात नहीं करने वाला, राइट। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव है कि एडी करंट के बारे में ही जानकारी लें, ठीक है। देखो जब आपने डीसी करंट दिया, इट मींस जो इस क्वाइल में करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। जो क्वाइल का करंट होगा ना, वो करंट कैसा होगा, कांस्टेंट करंट होगा, कांस्टेंट करंट ऐसा होगा। अगर 2 एम्पीयर का है तो 2 एम्पीयर कांस्टेंट रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब आपने इस क्वाइल में 2 एम्पीयर का करंट फ्लो करवा दिया, या फिर एक ऐसा डीसी सोर्स आपने लगाया जो कि 2 एम्पीयर का करंट इसमें फ्लो करवा सके, तो 2 एम्पीयर के अकॉर्डिंग जो इसमें फ्लक्स होना चाहिए, सपोज 2 वेबर का फ्लक्स होना चाहिए, तो इसमें 2 वेबर का फ्लक्स इस कोर में ऐसे फ्लो करेगा। ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ये मैंने दिखा दिया, दिस इज फ्लक्स फाइन। तो जो कोर है, कोर में, दिस इज कोर, अब इस कोर में फ्लक्स फ्लो कर रहा है
जिसकी वैल्यू है 2 वेबर, राइट। अब ऑलवेज इसमें 2 वेबर का फ्लक्स फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि जो डीसी है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। डीसी सप्लाई है ना, तो ये चेंज नहीं होगा, और जब चेंज नहीं होगा तो इसमें ऑलवेज 2 वेबर का फ्लक्स फ्लो करेगा, और जब हमेशा 2 वेबर का ही इसमें फ्लक्स फ्लो करेगा तो इसमें फ्लक्स का तो चेंज ही नहीं हो रहा, और जब फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है तो ये जो कोर है इसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको एक्स्ट्रा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स की नीड नहीं होगी, और जब फ्लक्स की नीड ही नहीं होगी तो कोई इसमें एडी करंट नहीं आएगा, और जब कोई एडी करंट नहीं आएगा तो एडी करंट लॉस नहीं होगा। इसीलिए जब हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर में डीसी सप्लाई करते हैं तो उसमें जो एडी करंट लॉस होगा वो होगा 0, एडी करंट लॉस विल बी 0, राइट। एक बार आप एसी और डीसी दोनों को एक बार अच्छे से कंपेयर कर लेना, आपको और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।